ये है एक ऐसा ऑयल जिसके वन आवर यूज के बाद ही आपकी जिंदगी बदलने वाली है चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे मैं आज एक बहुत ही जबरदस्त हेयर ऑयल बनाने जा रही हूँ चले आए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले जो है हमने बादाम लेने हैं बादाम मैंने घर में ही ग्राइंड कर लिए थे इसके लेंगे हम वन से टू टेबल स्पून तो मैंने जो है बादाम की क्वांटिटी अपने ऑयल के मुताबिक ली है जितना आप ऑयल लेंगे उसी के मुताबिक आपने क्वांटिटी को ऐड करना है तो जी हमने डाल ली है टू टेबल स्पून बादाम का पाउडर अब लिया है मैंने रतन जोत जिसका लेंगे हम वन टेबल स्पून वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे अब मैंने लिया है कड़ी पत्ता इसका भी हम वन टेबल स्पून लेंगे वो भी मैंने इसमें डाल दिया है अब हम लेंगे सीकाई सीका पाउडर उसके भी हम टू टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे अब मैंने लिया है आमला पाउडर आंवला पाउडर का भी हम वन से टू टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेंगे अब मैंने ली है सीकाई सीकाई को भी टू से थ्री टेबल स्पून हम इस जार में ऐड कर लेंगे अब मैंने लिया है मेथरे पाउडर मेथरे पाउडर का जो है हम वन से टू टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे मेथरे पाउडर ऐड करने के बाद मैंने लिया है, है बिस्किट्स पाउडर जिसको आप उर्दू में गुले महर या गुल महर पाउडर भी कह सकते हो या आपको किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगा इसके हमने ऐड करने है टू टेबल स्पून इसके बाद मैंने ली है मलटी ये भी आपको किसी पंसार शॉप से मिल जाएगी ये सब चीज़ें आपको एक पंसार शॉप पे आराम से इजीली मिल सकती हैं मैंने जो है मलटी के तीन से चार पीसीज़ वो ऐड किए हैं अब जो है मैंने रीठे का पाउडर लिया है टू टेबलस्पून वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है रीठे पाउडर ऐड करने के बाद मैंने ली है कलवंजी कलवंजी के फायदे तो आप लोग जानते ही होंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है सो so, इसका जो है मैंने वन टेबल स्पून ऐड किया है फिर मैंने ली है रोजमेरी रोजमेरी ऑयल ये एक एसेंशियल ऑयल है जो आपके फेस स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है तो हम इसकी एक छोटी साइज़ की बॉटल लेंगे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे रोजमेरी एक ऐसा ऑयल है जो कि बिल्कुल भी हार्म नहीं है जो कि एक्नी और हेयर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है इसके बाद लिया है मैंने जोजोबा ऑयल या हबोबा ऑयल भी कह सकते हैं इसको इसकी भी आपने एक छोटे साइज की बॉटल लेनी है वो भी आपने इस जार में ऐड कर लेनी है इसको ऐड करने के बाद मैंने लिया है आंवला ऑयल ये भी आपको किसी पंसार शॉप से मिल जाएगा मुझे भी पंसार शॉप से मिला है इसकी भी एक छोटे साइज की बॉटल आपने जार में ऐड कर लेनी है मैंने जो है आमला ऑयल और आंवला पाउडर दोनों को ऐड किया आप लोगों के लिए जो इजी हो आप इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को ऐड कर सकते हो इसके बाद लिया है मैंने ऑयल जो कि मैं डेली रूटीन में घर में यूज़ कर रही थी इस बॉटल में ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट ऑयल्स एड है तो इस बॉटल को हम लेंगे और शेक करेंगे आप लोग कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हो जो आप लोगों को कन्वीनियंट हो जैसा कि सरसों का नारियल का वैसे अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं तो मैं करूंगी सरसों का तेल जो कि बहुत ही फायदेमंद है तो मैंने भी कर लिया है अपना ऑयल ऐड इसके बाद जो है हम इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पाउडर हाँ। और बहुत सी चीजें हाँ। हमने ऐड की थी हमने इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब आप देख सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स ऑयल में अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व या मिक्स हो चुके हैं मिक्स करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑयल देखने को मिलेगा अब जो है हमने इस ऑयल को ऊपर से कवर कर देना है जार को अच्छे से बंद करने के बाद हमने इस जार को अच्छे से शेक करना है ताकि अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए क्योंकि हमने इस जार को 15 टू तो 20 डेज़ के लिए हमने स्टोर करना है धूप में या कहीं पे भी किसी डार्क एरिया में आफ्टर फिफ्टीन डेज आपको कुछ इस तरह का जार देखने को मिलेगा अब हम जो है इसमें एलोवेरा ऐड करेंगे एलोवेरा ज़्यादा ऐड नहीं करना है बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना जितना मेरे पास है तो मैंने जो है इस जार को ओपन किया है और इसमें हाफ कप या हाफ प्याली जो है एलोवेरा उसको भी इसमें ऐड कर दिया है इसके बाद जो है मैंने लिया है बालछर इसको भी हम ऐड कर देंगे ये कि आपको किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगा ये भी बालों के लिए बहुत फायदेमंद है बालचर ऐड करने के बाद आपको ऑयल कुछ इस तरह का नजर आएगा मुझे तो बहुत मजे का लग रहा है इसके बाद जो है आप एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हमने और मिलाए वो भी अपना असर ऑयल में छोड़ दें इसके बाद जो है इसको अच्छे से ऊपर से कवर कर देंगे मैंने 15 डेज के बाद भी वन वीक के लिए रखा था इसको धूप में भी और डार्क एरिया में भी आप लोग चाहें तो इसको वन वीक के लिए भी रख सकते हैं आफ्टर फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज के बाद आप जब ऑयल को देखेंगे तो ऑयल का कलर चेंज हो चुका होगा तो अब जो है हम चूल्हे पे एक पैन को रखेंगे और इस पैन में इस ऑयल को ऐड कर देंगे टेन मिनट्स तक हम ऑयल को गर्म करेंगे लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम ऑयल को गर्म करें तो जो आंच है चूल्हे की वो बिल्कुल लो होनी चाहिए लो फ्लेम पे हम इसको जस्ट हीट अप करना है हीट देंगे हम इसको अब आप ऑयल देख सकते हैं कि ऑयल काफ़ी थिक हो चुका है और वो सब मटेरियल जो हमने इसमें ऐड किया था उसने अपना असर ऑयल में छोड़ दिया है इस पैन में ऑयल ऐड करने के बाद मैंने ली है रोजमेरी लीव्स जो कि हम ऑयल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली इसमें ऐड कर देंगे मैंने जो है रोजमेरी ऑयल भी डाला था और रोजमेरी लीव्स भी ऐड किए हैं आप जो है एसेंशियल ऑयल या लीव, दोनों में से कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। मैंने इसीलिए बहुत सी चीजें ऑप्शनल रखी हैं जो कि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जो आपको इजीली मिल सके आप कोई भी ऐड कर सकते हो दोनों में से रोज मेरी लीव एड करने के बाद हम एक स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में मिक्स करने के बाद आपको कुछ इस तरह का टेक्सचर नजर आएगा इस ऑयल में जो है हमने प्योर ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजें ऐड की हैं जिनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है कोई भी यूज कर सकता है जिनको हेयर फॉल हो जिनको वाइट हेयर्स का इशू हो जिनको गंजपन का इशू हो इसके बाद मैंने ऐड किया है मुलटी पाउडर जिसका आपने वन टेबल स्पून इस ऑयल में ऐड कर देना है रोजमेरी लीव्स ऐड करने के बाद ऑयल का टेक्सचर बहुत ज़्यादा थक लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना सरसों के ऑयल को भी ऐड कर दिया जाए ताकि ऑयल की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए और जो हमने मटेरियल इतना ज़्यादा डाल दिया है वो भी मैनेज हो जाए तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल काफ़ी हीटअप हो गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल में कितना प्यारा सा कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है तो अब जो है हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे कुछ ही मिनट के बाद आपने ऑयल को स्ट्रेन करना है किसी भी चाय वाली पोनी की मदद से या किसी कपड़े की मदद से जो भी आपके घर में अवेलेबल हो या कन्वीनियंट हो तो मैंने ली है चाय की पोनी उससे जो है मैं ऑयल को स्ट्रेन करूँगी आप देख सकते हैं कि ऑयल आराम से स्टेन हो रहा है इसी तरह करके जो है हम सारे ऑयल को चाय की पोनी की मदद से स्टेन कर लेंगे बाकी जो पैन में ऑयल रह गया है उसको हम एक कपड़े की मदद से स्टेन कर लेंगे आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी मटेरियल था उसको मैंने अलग कर लिया है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा इसके बाद मैंने लिए हैं वाइटामिन ई के, के कैप्सूल्स इन कैप्सूल्स को मैंने स्मॉल सीजर से कट करके ऑयल में ऐड कर लिया है एक एक करके आपने भी इसी तरह ऑयल में ऐड करना है अब जो है आपने लेनी है कोई भी प्लास्टिक की बॉटल जिसमें आप ऑयल को स्ट्रेन करके आराम से रख लो मैंने लिया है ऑयल कंटेनर जिसकी मदद से हम ऑयल को इसमें इजीली ऐड कर लेंगे अब आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है बॉटल में इजीली स्टोर होता जा रहा है बॉटल जो है हमारी ऑयल से फिल हो गई है अब हम इसको जो है ऊपर से कवर कर देंगे सो गर्स फाइनली मेरा ऑयल हो गया है तैयार अब जो है मैं इसको टू से थ्री मंथ्स के लिए स्टोर कर लूंगी तो इसी तरह आप भी घर पर इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं इस ऑयल के यूज़ से आपकी हेयर लेंथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने इस हेयर ऑयल को लाजमी ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना मत भूलें उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें इस तरह की बहुत सी अच्छी सी वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी मुझे आप लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए सपोर्ट चाहिए सो देर किस बात की है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई नई आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सके थैंक यू